दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए TT1 को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त है ये मुगल और आप देख TT1। तो फ्रेंड आज मैं आपको यहाँ पर बात करने वाला हूँ आपके साथ कि आप लोग अपने मोबाइल की बैटरी गलत चार्ज कर रहे हैं। तो जी हाँ, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने मोबाइल की बैटरी को गलत चार्ज करते हैं। तो अगर आपने ये पता करना है कि मतलब अगर आप मोबाइल गलत चार्ज कर रहे हैं और ये कैसे चार्ज कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर से लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि कैसे आप सही चार्ज कर सकते हैं और आप कैसे गलत चार्ज कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं मगर शायद उनमें आप शामिल ना हो या शामिल हो भी सकते हैं। तो अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आप गलत चार्ज कर रहे हैं या नहीं। तो जी तो यार ये अब कुछ इसके रूल्स भी हैं, मतलब कि कुछ इसके टिप्स वगैरह जैसे कहते हैं आप, वो है कि अपने मोबाइल की बैटरी कैसे सही चार्ज कर सकते हैं अगर आप गलत चार्ज कर रहे हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये है कि कुछ ऐसे आप अपने मोबाइल की बैटरी को, कुछ लोग हैं उनकी आदत है कि यार वो दिन में मसरूफ़ होते हैं, बिजी होते हैं काम काज में, तो वो दिन में उनको चार्ज नहीं मिल टाइम नहीं मिलता मोबाइल चार्ज करने का। तो वो जब घर आते हैं तो या जब स्टडी वगैरह कर रहे होते हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता, या फिर किसी बिजनेस में काम वगैरह कर रहे होते हैं तो वो उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता चार्जिंग का। तो वो कहते हैं कि घर जाके हम एक दफ़ा चार्ज पे रात को लगा देंगे और सुबह तक फुल हो जाएगी। तो जी हाँ, ये अगर रात को चार्ज पे लगा रहे पूरा टाइम मोबाइल, तो ये कुछ टाइम तक तो आपके लिए ठीक है, मतलब आप कहेंगे यार ठीक है बैटरी मेरी बहुत अच्छी जा रही है। तो कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों के बाद ये आपको बैटरी का आस्ता आस्ता नुकसान पहुँचाना शुरू कर देगा। तो शुरू में तो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा मगर कुछ महीनों के बाद तो ये आपको आस्ता आस्ता नुकसान पहुँचाना शुरू करेगा और एक टाइम आएगा कि बैटरी आपकी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो ये इससे अगर आप थोड़ा प्रेस करें, मतलब किसी टाइम दिन में आप किसी टाइम भी फारक हो 10 मिनट 15 मिनट, तो आप थोड़ी देर लगा दें उसको फिर उतार लें बेशक, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर हालांकि अगर आप पूरे रात लगाएंगे फुल चार्ज भी हो जाए और बैटरी को भी ख़राब कर दे तो ये मेरा ख्याल से कि अच्छी बात नहीं है। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आप आजकल जो आप लोग मोबाइल के फास्ट चार्जर यूज़ करते हैं यार, ये मतलब कि आप कहते हैं कि यार मोबाइल जल्दी चार्ज हो जाए बहुत, तो यार ये नुकसान नहीं है। आपके मोबाइल बैटरी बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगी, आधे घंटे के अंदर या 20 मिनट के अंदर आपके मोबाइल की बैटरी 100% हो जाएगी। तो ठीक है, आप खुश हो जाएंगे जी बहुत अच्छी बैटरी चार्ज हो रही है 100% हो रही है, तो कुछ टाइम तो आप खुश होंगे मगर उसके बाद आप फिर पछताएंगे कि यार मेरी बैटरी ख़राब हो गई है, तो मसला होगा पूरा फ़ोन खुलवाना पड़ेगा। जैसी की बात है अगर जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं उनके अंदर बैटरी निकलती नहीं है, अंदर ही होती है, तो अगर वो वाले मोबाइल आपके पास भी तो यार पूरा मोबाइल खुलवाना पड़ेगा। तो क्या ज़रूरत है कि आप फास्ट चार्जर यूज़ करें, छोटा या आम चार्जर होता है मतलब 2.1 या इस तरह कोई चार्जर आते हैं आम, वो यूज़ करें सबसे बेस्ट क्वालिटी में यार, अच्छे क्वालिटी में आते हैं जो वो यूज़ करें। ज़्यादा तेज़ ज़रूरत नहीं है इतनी तेज़, आपके यदि फुल स्पीड में जल्दी चार्ज हो और जल्दी जल्दी बैटरी भी आराम से ख़त्म हो, मगर ये फ़ायदेमंद नहीं है मोबाइल की ये बैटरी है इसके लिए, तो एहतियात कीजिए कि इसको आप यूज़ ना कीजिए। तो अगर आप मोबाइल की बैटरी भी चार्ज करते वक्त अपना मोबाइल आप कहते हैं कि देर से चार्ज हो रहा है, तो यार उसके लिए आप ये भी कीजिएगा कि अपने मोबाइल के जो उसके अंदर एयरप्लेन मोड का एक होता है ऑप्शन, तो एयरप्लेन मोड के ऑप्शन को आप ऑन करके लगाएंगे जब चार्जिंग में, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी चार्ज होगी बैटरी, तो ये भी ठीक है। और हम एक और भी करते हैं कि अपने मोबाइल की बैटरी को 100% करना चाहते हैं कि यार 100% हो जाए, तो ठीक है 100% होने तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, मगर ये होता है कि 100% होने के बाद कुछ लोगों के मोबाइल मतलब भूल जाते हैं, मतलब लगा के चार्जिंग में भूल जाते हैं कि जी, उसके बाद वो 100% के बाद 10-15 मिनट या आधा घंटा लगे रहते हैं, तो उससे यार बैटरी को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं वो, क्यों मतलब ऐसा ऐसा नुकसान पहुँचाएगा मगर नुकसान काफ़ी पहुँचाता है वो। ये इसलिए होता है कि जब 100% के बाद जब बैटरी जाती बंद रुक जाती है मगर वो ट्रैकर उसके बाद चार्जिंग स्टार्ट करता है, ट्रैकर मतलब कि यार वो बैटरी को रोक के रखता है, मतलब कि यार 100 से नीचे ना जाने दे, जैसे 100 से ऊपर तो जान सकती 100 से वापस आ जाने 99, तो वो 100 पे रोक के रखा है एक जगह पे उसको, तो जैसे बात वो जब रोक के रखता है तो उससे बहुत ज़्यादा वो नुकसान पहुँच जाती है बैटरी पर। तो लिहाजा आप कोशिश करिए कि 80% या फिर 90 या 95 जितना भी आप देखें तो उससे आप उतार लें तो ज़्यादा बेहतर है, या पूरा 100 जैसी हो साथ ही आप उतार लें तो वो भी ठीक है अच्छी बात है, मगर ज़्यादा देर लगा रहने देना वो थोड़ा नुकसानदेह है, क्योंकि देर के बाद वो ट्रैकर चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है तो उससे ये होता है कि वो बैटरी को रोक के रखती है एक जगह पर, मतलब ना आगे जाने देती है ना पीछे, तो ये नुकसानदेह पहुँचाती है मगर आपको पता नहीं चलता, ये कुछ टाइम बाद नुकसान पहुँचाना स्टार्ट करती है। तो अगर
आप भी अगर इन चीज़ों में कुछ गलती कर रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसा है तो आप अपने इसको सही कर लें तो ज़्यादा बेहतर, आपके मोबाइल की बैटरी बच सकती है। तो उम्मीद है मेरी आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी ये काम करते हैं, मतलब आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इनमें से कौन सा वैसा काम कर रहे हैं कि जिससे आपके मोबाइल की बैटरी थोड़ी ख़राब हो रही है, या मतलब नहीं भी हो रही मगर आप कर रहे हैं ये काम, तो बिल्कुल ना कीजिए ऐसा काम जिससे आपके मोबाइल की बैटरी का नुकसान हो जाए। ऐसे बहुत महंगे मोबाइल होते हैं टच मोबाइल, उनमें अगर बैटरी का मसला आ जाए तो बैटरी तो सस्ती ही होती है मगर पूरा फ़ोन एक दफ़ा खुलना पड़ता है जो आजकल लेटेस्ट आ रहे हैं। तो बहरहाल आप इन जो टिप्स हैं इनमें आप अगर फॉलो करेंगे टिप्स को, देर के बाद आपके मोबाइल की बैटरी को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है मेरी आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है इसको जरूर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को पता चल सके कि अगर वो ये गलतियाँ कर रहे हैं तो वो बच सके इन गलतियों से। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।